सुर्ख लाल जोड़ा सोने और हीरों से जड़े गहने, बालों में गजरा, आंखों में कचरा, माथे पर लाल बिंदिया, नाक में बड़ी सी नथ और हाथों में सुहाग का लाल चूड़ा। विकी कौशल की मिसेस कौशल बनी कटरीना का ये रूप बेहद खास है। तो वहीं विकी कौशल भी दूल्हे राजा बने क्या खूब जच रहे हैं। खास मरोरी कढ़ाई वाली आइवरी सिल्क की शेरवानी के साथ बनारसी सिल्क से बना गोल्डन साफा पहने विकी अपनी गॉर्जियस लाइफ पार्टनर को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। विकी ने अपने दूल्हा लुक को पन्ना और रोज कट डायमंड से बने खास स्टेटमेंट नेक पीस के साथ कंप्लीट किया। गोल्डन साफे पर सजी हीरे और पन्ना जड़ी कलगी भी विकी की शान में चार चांद लगाती दिखी। कंधे पर उन्होंने डाला था टसर जॉर्जेट से बना खास शॉल, जिस पर सिल्क और सोने के धागों से खास जाली कढ़ाई की गई थी। कटरीना कैफ और विकी कौशल के इस शानदार ब्राइड एंड ग्रूम लुक को डिजाइन करने का क्रेडिट फेमस फैशन डिजाइनर सब्यसाची को जाता है। जी हाँ, ये सब्यसाची की ही क्रिएटिविटी है जिसने विकी और कटरीना के खास दिन को और भी खास बना दिया। सिर से लेकर पैर तक विकी कटरीना किसी राजपुताना रियासत के महाराज और महारानी से कम नहीं लग रहे थे। 9 दिसंबर को सवाई माधोपुर में स्थित 800 साल पुराना किला, जो कि अब एक लग्जरी होटल बन चुका है, वो किला साल 2021 की सबसे बड़ी बॉलीवुड वेडिंग का गवाह बना। सिक्स सेंस फोर्ट का चप्पा चप्पा विकी और कटरीना के प्यार के मुकम्मल होने के जश्न से गूंज उठा। 9 दिसंबर को फैंस बेसब्री से बॉलीवुड के इस नवविवाहित जोड़े की शादी की तस्वीरों का इंतजार कर रहे थे। तो अपनी शादी को बेहद प्राइवेट बनाकर चल रहे विकी कटरीना ने भी अपने फैंस को ज्यादा इंतजार नहीं करवाया। शादी मुकम्मल होते ही विकी कैट ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की कुछ चुनिंदा तस्वीरें रोमांटिक कैप्शन के साथ शेयर की और फैंस से प्यार और आशीर्वाद भी मांग लिया। तस्वीरें शेयर करने की देर थी कि फैंस के साथ साथ फ्रेंड्स का प्यार और शुभकामनाएं भी इस जोड़े पर बरसने लगा। लंदन से बॉलीवुड में आई कटरीना हमेशा से टिपिकल इंडियन स्टाइल वेडिंग करने की चाहत रखती थी, वो भी पूरे राजसी ठाट बाट के साथ। यही वजह रही कि उन्होंने अपनी शादी के लिए सवाई माधोपुर का 800 साल पुराना किला वेडिंग वेन्यू के तौर पर चुना। तकरीबन 100 साल के बाद इस किले में किसी जोड़े की शादी की शहनाइयां गूंजी। 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे के बाद से पंजाबी ढोल की जोरदार आवाजों से पूरा किला गूंज उठा। साथ ही शहनाइयों की हल्की आवाजों ने पूरी फिजा को और भी ज्यादा रोमांटिक बना दिया था। दोपहर 2 बजे के करीब विकी कौशल की सेहराबंदी की रस्में शुरू हुई, जो कि तकरीबन आधे घंटे तक चली, जिसके बाद ढोल नगाड़े और पूरी बारात के साथ विकी अपनी दुल्हनिया को ब्याहने के लिए निकल पड़े। विकी अपनी बारात लेकर रानी पद्मावती महल के सामने पहुंचे थे। वहीं होटल के मर्दाना महल के सामने ओपन गार्डन में बनाया गया था भव्य मंडप। साथ फेरे लेने से पहले जयमाला की रस्म भी हुई। मेहंदी रचे हाथों से जब कटरीना ने विकी के गले में फूलों की जयमाला पहनाई, तो उनके चेहरे पर छाई खुशी इस तस्वीर में साफ दिख रही है। खुशी के मारे फूल ही नहीं समा रही हैं कटरीना। गोधुली बेला में दोनों ने एक दूजे का हाथ थाम कर 7 वचनों के साथ साथ फेरे लिए। फेरों के समय पूरे वक्त विक्की अपनी खूबसूरत हमसफर का हाथ थामे रहे। मिस्टर एंड मिसेस कौशल बनने के बाद विकी और कटरीना पूरे शाही अंदाज में मेहमानों के सामने आए। आतिशबाजी की रोशनी और ढोल नगाड़ों के शोर के बीच किले के सबसे ऊंचे दुर्ग पर विकी कटरीना ने एक बार फिर एक दूसरे के गले में जयमाला पहनाई। उस दौरान आसमान में जमकर आतिशबाजियां भी हुई। भले ही शादी के बाद विकी और कटरीना मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन किले के बाहर खड़े मीडिया कर्मियों के लिए उन्होंने शादी के लड्डू और मिठाइयां जरूर भिजवाई। विकी और कटरीना की शादी का ये जश्न देर रात तक चला। ब्यूरो रिपोर्ट E24।